हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कर्व टूल के बारे में बताऊंगा कि कर्व टूल को आप यूज़ करके कैसे अपनी एडिटिंग का एक लेवल और अप कर सकते हैं। मैंने इस टूल को बहुत ही ज़्यादा इजीली वे में समझाया है, तो बस आपको वीडियो को एंड तक देखते रहना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। कर्व टूल देखा जाए तो सबसे प्रो टूल में से एक है ये बहुत, मतलब जो प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग ऐप्स होते हैं उसमें आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो बिगनर्स होते हैं, मतलब ये देख के थोड़ा हिचक जाते हैं कि इसे हम यूज़ करें या ना करें। अब देखिए, ये जो कर्व टूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने Lightroom ऐप का आपको कर्व टूल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको ये लाइट सेक्शन के अंदर ये कर्व टूल मिल जाता है। कर्व का यहाँ पे ऑप्शन रहता है। जैसे ही आप कर्व क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आपको नीचे वाली एक्स एक्सिस दिख जाएगी और राइट हैंड में साइड में है वो वाई एक्सिस भी दिख जाएगी। अब देखिए, ये कर्व टूल तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। यहाँ पे देखिए, ये पहला वाला रेड वाला, दूसरा ग्रीन और तीसरा येल्लो। जो रेड वाला है वो आपकी शेडोज के लिए है, और जो ग्रीन वाला है वो आपके मिड टोन्स के लिए है, और जो येल्लो वाला है वो आपकी हाईलाइट्स के लिए है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ शेडोज क्या होती है। ये जो पहला वाला हिस्सा है वो शेडोज के लिए, अब दूसरा वाला मिड टोन्स और तीसरा वाला हाईलाइट्स। शेडोज क्या होती हैं, जितने भी आप ब्लैक पार्ट देख रहे हैं मेरी फोटोज पे, जो फोटो है जितनी भी जहाँ पे भी लाइट सही से नहीं है वो ब्लैक है, उसको हम शेडोज बोलते हैं। अब शेडोज एडिट करने के लिए आप ये देखिए, नीचे वाले हिस्से को आप पुश करेंगे या आगे लेके जाएंगे या पीछे। आगे लेके जाएंगे तो देखिए, जो शेडोज हल्की सी लाइटन अप हो जाएंगे। अब यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर में देखिए, ये देखिए शेडोज हल्की सी लाइट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे बीच वाला हिस्से को स्किप करता हूँ, चलते हैं हम थर्ड एरिया की तरफ, जो कि है हाईलाइट का। हाईलाइट वो हिस्सा होता है जो बहुत ही ज़्यादा, जिस पे लाइट होती हैं उनको हम हाईलाइट कहते हैं, या वाइट्स भी आप कह सकते हैं। अब देखिए, मैं हाईलाइट के ऊपर या नीचे करूँगा तो उस हिसाब से वो एडजस्ट होगी। मैंने ऊपर किया तो हाईलाइट्स थोड़ी सी और बूस्ट हो गई हैं। अब जो बीच वाला हिस्सा होता है मिड टोन, वो तो हाईलाइट्स और शेडोज के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं। अब दूसरे तरीके से समझिए, ब्राइटनेस भी होता है, ब्राइटनेस टूल भी होता है। आप इसको आगे लेके जाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, और पीछे लेके आएंगे तो ब्राइटनेस कम होगी। यहाँ पे देखिए, मैं ब्राइटनेस को हल्का सा कम करूँगा तो आप देखिए ब्राइटनेस फोटो की हल्की सी कम हो चुकी है। आप एक रिलेशन और देख सकते हैं, आपकी फोटोज पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लुक भी आया है, देखा आपने। अब देखिए, यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स और दिख रहे होंगे किनारे के। वो दो पॉइंट्स हैं वो होते हैं फेड करने के लिए। नीचे वाला है वो शेडो फेड करने के लिए, ऊपर वाला हाईलाइट फेड करने के लिए। अब देखिए, मैं इसको एडजस्ट करूँगा आगे या पीछे, देखिए शेडोज जो है फेड हो रही हैं। ये बेसिकली मूडी एडिट्स करने के लिए, जो मूडी एडिट आप करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए, आप हाईलाइट्स को भी फेड या ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए, हमारी एडिटिंग यहाँ पे हो चुकी है पूरी। ये रहा कर्व टूल, ये देखिए एस बन चुका है, तो इसको आप एस कर्व भी बोल सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर में आप देख सकते हैं कि क्या थी हमारी इमेज और क्या हो चुकी है। तो आशा करता हूं आपको ये बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। तो इन दी एंड में बस यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।